और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस में टिकट की बम्पर दावेदारी सामने आ रही है। 90 सीटों पर आए 1800 से ज्यादा आवेदन, बड़ी विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। ब्लॉक में आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, आज और कल ब्लॉक लेवल पर मीटिंग होगी। 26 को 5 नाम का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। तो टिकट की दावेदारी को लेकर भी अब सियासी दलों में होड़ मची हुई है और खासतौर से कांग्रेस में टिकट की बम्पर दावेदारी की जा रही है। 90 सीटों पर तकरीबन 1800 से ज्यादा दावेदारों के नाम आए हैं और ब्लॉक लेवल पर इनकी मीटिंग के साथ आवेदनों की स्क्रूटनिंग की जाएगी और उसके बाद 26 अगस्त को 5 नामों का पैनल हर सीट से हाईकमान को भेजा जाएगा और जिस पर फैसला होगा। क्योंकि जिस तरह से अब पहली चाल भारतीय जनता पार्टी ने चल दी है, 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लिहाजा अब कांग्रेस भी चाहेगी कि जल्द से जल्द वो ना केवल उन 39 सीटों पर बल्कि बाकी सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर उसकी घोषणा करें, ताकि ना केवल प्रत्याशियों को मौका मिले ज़्यादा जनता के बीच जाने का और बल्कि विरोधी दलों को भी ये पता चल जाए कि कौन किसके सामने है, कितनी ताकत से ये चुनाव लड़ना है। तो 1800 से ज़्यादा आवेदन 90 सीटों के लिए कांग्रेस के आए हैं। ब्लॉक में आवेदनों की स्क्रूटनी होगी, आज और कल ब्लॉक लेवल पर मीटिंग होगी और 26 तारीख को 5 नामों का पैनल भेजा जाएगा, जिसके बाद फैसला होगा कि 5 नामों में से कौन किस सीट पर प्रत्याशी के रूप में चुनावी हुंकार भरेगा। तो अब टिकट वितरण को लेकर राजनीतिक दलों में हलचलें तेज हो चली हैं। कांग्रेस में टिकट की बम्पर दावेदारी, 90 सीटों पर 1800 से ज्यादा आवेदन आए हैं, बड़ी विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं और ब्लॉक में आवेदनों की स्क्रूटनी होगी और आज और कल ब्लॉक लेवल पर मीटिंग भी होगी, तो इसके बाद 26 अगस्त को 5 नाम का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। तो जिक्र छत्तीसगढ़ में टिकट की दावेदारी का, तो प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। प्रशांत, 90 सीटों पर दावेदारी के जो आवेदन आए 1800, किस तरह से देखते हैं? जीत दोहराने की पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे जाएं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी कवायद को? जी देखिए, जैसे ही भाजपा ने पहले 21 सीटों का ऐलान कर दिया था प्रत्याशियों के, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा हुआ वो किसकी थी। और कांग्रेस की शुरू से ही रिवायत रही है कि जब भी टिकटों की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर ही मारामारी की स्थिति देखने के लिए मिलती है। हालांकि जिस तरह से सरकार थी, इसलिए इस बार उतना ज्यादा अंतर विरोध अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कई ऐसे प्रमुख सीटें हैं जहां पर बड़े नेता हैं, वहां पे उन्होंने अपनी दावेदारी की है विधानसभा चुनाव के टिकट पाने के लिए। और कांग्रेस के नेताओं में जिस तरह से होड़ मची है, उसके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक गुलाब कामरो, ये सीटें अकेले दावेदार हैं, लेकिन कई ऐसे अन्य नेताओं ने भी आवेदन किया। वही रविंद्र चौबे की अगर सीट पे बात करें तो एक नेता द्वारा आवेदन की बात सामने आ रही है। वही पीएस सिंह देव की सीट अंबिकापुर से 100 लोगों ने आवेदन किया है। तो जिस तरह से यहाँ पे आवेदन की लगातार यहाँ पे सीटों की दावेदारी आ रही है, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए जरूर गुटबाजी और मुसीबत वहां पे उठाई जा सकती है। लेकिन अलग से फार्मूला जिस तरह से कांग्रेस ने तय किया और सितंबर में फर्स्ट वीक में ही यहाँ पे बड़े नेताओं का दौरा होना है, तो उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दावेदारी आ रही है और जो प्रमुख सीटें हैं वहां पे जल्दी से जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। प्रशांत जी, लेकिन एक बात, जैसा अभी आपने बातों में एक जिक्र किया कि टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में अंबिकापुर में भी टिकट के 100 दावेदार जो हैं वो सामने आ गए हैं, तो इस तरह से तो लगता है कि जब इतने बड़े नेता जिनका एक खासा प्रभाव है छत्तीसगढ़ की राजनीति में और खासतौर से कांग्रेस के दिग्गज नेता मानते हैं, उनके मुकाबले भी यदि दावे पेश किए जा रहे हैं तो फिर घमासान तो होना निश्चित समझा जाए। क्या कहेंगे प्रशांत?
बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर ये अंतर कला जो है गुटबाजी, ये शुरू से ही एक विरासत से ही चली आ रही है। छत्तीसगढ़ से जब तक निर्माण हुआ था तब से ही उस टाइम अजीत जोगी गुट हुआ करती थी, भूपेश बघेल, तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए बेहद चुनौती की बात है। लेकिन जिस तरह से आपने सरगुजा क्षेत्र से टीएस सिंहदेव की सीट की बात कर ली, जहां पर 100 लोगों ने आवेदन किया है, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि टीएस सिंहदेव जिस तरह से ढाई ढाई साल के फार्मूले पर लंबे समय तक आला कमान और भूपेश सरकार के बीच में तकरार चला था, हालांकि ढाई महीने पहले ही उनको उप मुख्यमंत्री देकर बहुत हद तक मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर कुछ सूत्र भी ये बताते हैं कि पूरी सरकार का एक धड़ा जो है टीएस सिंहदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनको हराने की कोशिश की जाएगी। तो जिस तरह से आवेदन आए, ऐसा पहला मामला है जब इस तरह से इतने आवेदन आए, खासकर उस आवेदन में कई तो ऐसे हैं कि जो पति पत्नी माँ बेटा पिता पुत्र जैसे भी सामने आए हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे यहाँ पे चुनावी घोषणाएं होंगी और प्रत्याशियों का सीटों का ऐलान होगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर ये अंतर कलह होगा और देखना इस दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस अंतर कलह पर कैसे गड्ढा पाट पाती है, क्या उनको मैनेज कर पाती है नहीं। अगर नहीं होता तो इलेक्शन में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के प्रशांत, 5 साल भूपेश सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से कहा जाए तो सरकार चलाई और कई नवाचार किए, छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए कई योजनाएं उन्होंने चलाई, लेकिन ये गुटबाजी और खेमेबाजी कहीं ना कहीं जो है सारे क्रिया कराए पर पानी फेरने का काम कर जाती है कांग्रेस में। ये इस तरह के कई उदाहरण सामने हैं और इस बार भी जैसा आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यदि मुखर होती हैं तो टिकट वितरण में खासी दिक्कत पेश आने वाली है। प्रशांत जी, निश्चित तौर पर हालांकि जिस तरह से सरकार के संगठन ने कुछ निर्णय लिया, जैसे 5 नामों का पहला पैनल जो है जिलों से भेजे जाएंगे, ब्लास्ट के आए आवेदनों की स्क्रूटनी करके पैनल के साथ सभी आवेदन जिलों में भेजे जाएंगे और कांग्रेस इसमें से 3 नामों की सूची बनाकर सभी आवेदन पीसीसी भेजी जाएगी। पीसीसी में चुनाव समिति की बैठक के बाद जो है सिंगल नाम और जहाँ विवाद की स्थिति वहां पर 2-2 नाम लोगों के नाम भेजे जाएंगे। तो ये पहली मरतबा ऐसा देखा गया है जब ग्रामीण लोकल स्तर पर जमीनी स्तर पर इस तरह से पैनलों की सूची हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती का विषय होगा, लेकिन खासकर जिस तरह से बीजेपी ने 21 नामों की घोषणा पहले से कर दी, अभी तक किसी तरह का कोई विरोध देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अगर 90 विधानसभा सीटों में ये स्थिति उत्पन्न होती है तो कांग्रेस के लिए चुनौती का बिल्कुल सबब होगा और देखना होगा कि किस तरह से इसको मैनेज करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो, लेकिन गुटबाजी और खेमेबाजी से यदि दूर रह करके काम होते हैं कांग्रेस में तो फायदा इसका मिलेगा, लेकिन नहीं तो इस तरह की गुटबाजी और खेमेबाजी और अंतर कलह की जो चीज़ें होती हैं वो विरोधी खेमे को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 1800 लोगों की दावेदारी सामने आ रही है, जैसा हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी बता रहे थे कि सरगुजा जो टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, उनका क्षेत्र माना जाता है, उनकी सीट से भी 100 से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि अंतर कलह कहीं ना कहीं कितनी भी रोक उस पर लगाई जाए, कितनी भी समझाइश दी जाए, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति कहीं ना कहीं बन गई है और ये नुकसानदेह भी हो सकती है।